भाई आज मैं आया हूँ सखर टाउन सेक्टर नंबर 2 में। पिज़्ज़ा टाइम के नाम से एक पिज़्ज़ा वाले हैं, बहुत इनका अच्छा पिज़्ज़ा है, बड़ा मशहूर पिज़्ज़ा है, बहुत तारीफ़ें सुनी है। आज टेस्ट करने आया हूँ, देखते हैं क्या एक्सपीरियंस है, कैसा जायका है, आपको रिव्यू दूंगा, वीडियो में जुड़े रहिए। मेरा जाना हुआ सखर टाउनशिप सेक्टर नंबर 2 पर। मेरी नज़र पड़ी एक शॉप पर जहाँ लिखा था पिज़्ज़ा टाइम, तो मैंने सोचा क्यों ना इनका पिज़्ज़ा ट्राई करें, चेक करते हैं भाई जायका कैसा है। मैंने इनसे पूछा कि आपके यहाँ कस्टमर की कौन से पिज़्ज़े की ज़्यादा डिमांड है। इन्होंने कहा कि सुप्रीम पिज़्ज़ा ज़्यादा चलता है, तो मैंने कहा कि हमारे लिए भी सुप्रीम पिज़्ज़ा बनाएं, हम भी टेस्ट करते हैं भाई कैसा जायका है, क्या चीज़ है, कैसा आइटम है। टेस्ट करने पर पिज़्ज़ा हमें अच्छा लगा, अच्छी क्वालिटी थी और सखर टाउन जैसे एरिया में, क्योंकि वो एक सिटी से आउट एरिया है, उधर ऐसी क्वालिटी मिलना बड़ी बात है। रेट भी इन्होंने मुनासिब रखे हुए हैं, तो सखर टाउन वाले हैं या इर्द गिर्द जितने इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इनका पिज़्ज़ा ट्राई करें, टेस्ट करें। और इनका ज़्यादा से ज़्यादा जो काम होता है वो ऑनलाइन डिलीवरी होता है। और इनका नंबर जो है मैंने कमेंट में दे दिया है, मैं मेंशन भी कर रहा हूँ ऊपर स्क्रीन पर, आपको नंबर दिख जाएगा, तो आप ऑनलाइन इनसे ऑर्डर भी कर सकते हैं, बेहतरीन किस्म का पिज़्ज़ा इनको ऑर्डर करके आप मंगवा सकते हैं। शॉप का नाम है पिज़्ज़ा टाइम सेक्टर नंबर 2 सखर टाउनशिप सखर। गाजियाबाद बेहतरीन रहेगा। फहद भाई आपके पास कौन कौन से यहाँ फ्लेवर होते हैं पिज़्ज़ा में? और इसके अलावा हमारा ब्राउन ब्रेड है, मटी का फ्लेवर में है, टिक्का फ्लेवर है, मलाई बोटी है और एक स्पाइसी है, शवरमा फ्लेवर है हमारे, ये बहुत से आइटम ऐसे हैं जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चलते हैं। और आपके यहाँ सेटिंग का सेटिंग है या ऑनलाइन ज़्यादा चलता है? हमारा यहाँ जो ऑर्डर आते हैं वो ज़्यादातर ऑनलाइन आते हैं, सेटिंग एरिया यहाँ बहुत कम है, ऑनलाइन हमारा और तक ऑर्डर जाते हैं। थैंक यू, शुक्रिया। भाई आज का हमारा जो एक्सपीरियंस था बहुत अच्छा रहा, माशाल्लाह बहुत अच्छा जायका था, हमने सुप्रीम फ्लेवर में पिज़्ज़ा खाया, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट था। तो जो देखने वाले हैं उनसे यही सजेस्ट करूँगा कि सेक्टर नंबर 2 सखर टाउन में ज़रूर आएँ और इनका पिज़्ज़ा ज़रूर ट्राई करें। शुक्रिया।